देखिए, वाह क्या सीन है मेरे चीते। मेरा फोन अगर गिरेगा ना पानी में तो मैं तो गया। हाय फ्रेंड, এই মুহূর্তে আছি ঝাড়গ্রামে চিড়িয়াখানাতে। আমি ডিয়ার পার্কে এটা নিতে এসেছিলাম, এখানে যে এর আগে একটা হয়েছিল যে আমরা কচ্ছপ এনেছিলাম, কচ্ছপ পাই এবং সেই কচ্ছপ আমি জিতে এসেছিলাম। ঘুরতে গিয়ে এটা আমি পেয়েছি, ঝাড়গ্রাম মিনি চিড়িয়াখানা, এবং ফরেস্ট দপ্তরের সাথে কথা বলে আমি তাদের হাতে এটাকে তুলে দিচ্ছি। এটা খুবই বিরল প্রজাতির একটি কচ্ছপ। ঝাড়গ্রাম মিনি চিড়িয়াখানা অর্থাৎ ঝাড়গ্রাম ডিয়ার পার্কে আমি এটা ছেড়ে দিচ্ছি। তো দোস্ত, मैं प्रीतम, प्रीतम डी ब्लॉगर, आप सबको स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो रहा है कि मैं क्यों पूजा का टाइम पे, दुर्गा पूजा का टाइम पे कोई झाड़ग्राम का वीडियो नहीं बनाया, दुर्गा पूजा पंडाल का क्यों नहीं वीडियो बनाया। तो सच तो ये है दोस्तों, मैंने दुर्गा पूजा का टाइम पे 3 दिन जो स्पेशल होता है बंगालीज के लिए, मैं खुद ही घर के बाहर नहीं निकल पाया था। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह का करीब 8 बज रहा है और मैं आज जा रहा हूँ झाड़ग्राम का जूलॉजिकल पार्क में, जिसको बहुत ही आम लोग डियर पार्क कहते हैं। जी हाँ, डियर पार्क के साथ दोस्तों मेरा बहुत ही इमोशनल कलेक्शन है और आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इमोशनल भरा रहेगा, क्योंकि इसी जगह से मैं व्लॉगिंग शुरू किया था। आज जो यूट्यूबर प्रीतम डी ब्लॉगर आपके सामने खड़ा है, इसका शुरुआत हो गया था डियर पार्क में आज से 3 साल पहले आज का डेट में। तो बहुत ज़्यादा बातें करने हैं, डियर पार्क में जा कर के वो सारे यादें जो हैं वो ताज़ा करना है। तो दोस्तों, मैं प्रीतम डी ब्लॉगर आप सबको स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, जब धूप पड़ते हैं मुँह में और कैमरा के साथ बात करना पड़ते हैं तब कितनी फटती है, आप एक बार ट्राई करके देख लेना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट। तो फाइनली 3 साल के बाद मैं झाड़ग्राम मिनी चिड़ियाखाना झाड़ग्राम जूलॉजिकल पार्क में आया हूँ और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है बिना मास्क के आप एंट्री नहीं कर सकते हो। और टिकट का कुछ प्राइस ऐसे हैं, 5, 25, 50, 150 और 150, यह है टिकट का प्राइस। जैसे हम 2 जन आए हैं तो 2 जन का करीब 40 रुपये लगा। मैं बताया था आपको कि आज की वीडियो इंफॉर्मेशन से नहीं बल्कि इमोशन से भरा होगा। 3 साल बाद मैंने यहाँ पर आया। डियर पार्क का बहुत सारे वीडियो आपको ऑलरेडी यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन आज की वीडियो आई एम मेकिंग फॉर माई सेल्फ। अगर आपको बेहतर वीडियो देखना है तो आगे में जाके मैं श्योर डियर पार्क का अच्छा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ मैं अपना इमोशंस और जो पुराने यादें हैं उसको ताज़ा करने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे करीब 4 या 5 एमूज है। एमू का ये यूनिटी में रहते हैं, मतलब ये एक झुंड में रहते हैं। इसको अकेला अगर रखा जाएगा तो ये मर जाएगा, तो इसको हमेशा एमूज को एक झुंड में रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब झुंड में ही है और मेरे पीछे जो है घूम रहा है। आप लोग मुझे फेसबुक से बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है मेरे फेसबुक में अभी भी वो वीडियो है कि 2017 में मैं डियर पार्क में शाम के टाइम पे एक टॉर्टोइस देने के लिए आया था। एक्चुअली में वो टॉर्टोइस मुझे मिल गया था दुबराजपुर बोल के एक जगह है, वहाँ पे रास्ता क्रॉस कर रहा था वो टॉर्टोइस। तो मेरे गर्लफ्रेंड ने उस टॉर्टोइस को उठाई थी और मुझे उस वक्त बोली थी कि इस टॉर्टोइस को हम डियर पार्क में सबमिट करेंगे, दे देंगे डियर पार्क में आकर के। तो रात 8 बजे हम लोग आए थे और टॉर्टोइस को डियर पार्क के अंदर घुस के यहाँ पर जो तालाब एक बड़ा सा है वहाँ पर जाके हमने उस टॉर्टोइस को दे करके डियर पार्क में एक अलग पहचान बनाए थे। ये जो मेरे पीछे तालाब आप देख रहे हैं ना, ये तालाब,
तो वो जो टॉर्टोइस का कहानी मैंने आपको सुनाया, वो टॉर्टोइस को इसी पानी में छोड़ के गई थी मेरे गर्लफ्रेंड वो शाम को रात 8 बजे। आप लोग देख पा रहे हैं क्या? नहीं, दैट इज़ द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ डियर पार्क। यही वो शेर है जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं। मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये शेर है, बब्बर शेर। कल मैं मिर्ज़ापुर सीजन 2 देख रहा था और मिर्ज़ापुर सीजन 2 में जो बूढ़ा है 70 साल का, उसके अंदर इतना ज़्यादा सेक्स है, वो घर की किसी की बहू को नहीं छोड़ते हैं। हर एक बहू आते हैं उसके साथ, वो सेक्स करते हैं। और ये सब सेक्स के आइडिया उसके दिमाग में तब आता है जब वो नेशनल जियोग्राफिक या एनिमल प्लानट में हमेशा ये शेर का सेक्स का जो तरीका है वो देखते हैं। और उसको तब पता चलता है जब शेर का सेक्स करना हो जाता है तो वो शेर दूसरे शेरनी के पास चले जाते हैं सेक्स करने के लिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि शेर का सेक्स करने का तरीका, ये शेर को ही रहने दे, इंसान के सेक्स करने का जो तरीका है वो इंसानों के लिए सही है। मिर्ज़ापुर सीजन 2 हमें यही सीख दिलाती है। तो शेर के सामने आज मैं अपना यूट्यूबर बनने का जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और पहली दफ़ा मैं यहीं पर आया था ब्लॉग करते हुए। सन था 2018 और महीना था सितंबर। मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मुझे एक वाइट कलर का रैट मिल गया था और उस वाइट कलर का रैट को मैं नहीं चाहता था मैं अपने पास रखूँ। तो मैं एकदम सुबह 8 बजे यहाँ पे पहुँच गया उस रैट को लेकर के। तब यहाँ का जो सर था उन्होंने बताया कि हम रैट नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये जो है डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, मतलब डोमेस्टिक कैटेगरी में पड़ते हैं, तो वाइल्ड एनिमल होता तो वो रख लेते। तो उस वक्त मैंने था तो उसका पूरा एक वीडियो बना था, तो उसको हमने अपना जो फेसबुक में है उसमें शेयर कर दिया था और उसी दिन मुझे 400-450 व्यूज़ मिल गया था। तो अभी भी मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल है वहाँ पर वो रैट देने का जो स्टोरी है और मेरा पहला वीडियो भी आप कह सकते हो वहाँ मेरा यूट्यूब चैनल पे है। चाहे मैं उसका लिंक दे सकता हूँ नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो उसी से आज जो प्रीतम डी ब्लॉगर आपके सामने बेफिक्र और फियरलेस होकर ब्लॉग करते हैं, इसका शुरुआत हुआ था एक रैट से। रैट एक इंसान के लाइफ में कितना असर दे सकते हैं, आपके सामने वो खड़ा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो आप मेरे सामने कुछ गुफा टाइप का देख रहे हैं ये भालू के लिए बनाया गया है। अब ना ये गुफा टाइप का जो बनाया हुआ है ये नहीं था, तो काफ़ी बदलाव मैं देख रहा हूँ जो 3 साल में यहाँ पे बदल चुका है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना स्ट्राइप्ड हाइना, ये हाइना का एक बहुत खासियत ये है कि वो इंसानों की तरह हंसते हैं, मतलब ऐसा उसका हंसने का साउंड आता है तो आपको ऐसा लगेगा कोई इंसान हंस रहा है, लेकिन एग्जैक्टली हाइना का जो हंसी का जो तरीका है वो इंसानों के जैसा ही होता है। तो बच के रहिएगा, हाइना बहुत डेंजरस है, ये झुंड में आते हैं, अटक करते हैं और दबोच लेते हैं और किसी को नहीं छोड़ता है। हाइना से तो बच के रहना है, हाइना इससे बच के रहना। यहाँ पर लिखा हुआ है जंगल कैट और जो जंगल कैट है वो वहाँ पर बैठा हुआ है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का। तो आपने डॉन फिल्म देखा ही होगा शाहरुख खान का, जहाँ पे वो लास्ट में आकर के कहते हैं कि मुझे जंगली बिल्ली बहुत पसंद है। तो ये है वो जंगली बिल्ली, साइज में थोड़ा बड़ा होता है, जो घर में जो बिल्ली हम पालते हैं उससे साइज में काफ़ी बड़ा है, लेकिन स्पीड और शिकार करने का जो तरीका होता है वो ऑलमोस्ट कैट क्लासिफिकेशन में पड़ता है। मतलब यानी कि एक टाइगर जिस तरह से शिकार करते हैं, एक बिल्ली जिस तरह से घर में शिकार करते हैं, उसी तरह जंगली बिल्ली भी उसी प्रकार से शिकार करते हैं। बिकॉज टाइगर कैट्स और जंगल कैट्स दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम कैट्स फैमिली। शकुनी मामा, शकुनी ये शकुन है और वहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना छोटा सा, उसको चील कहते हैं। वाओ, ये आप जो मेरे ऊपर ये शकुन देख रहे हैं ना, पहले तो हमारा इस गांव में बहुत ज़्यादा शकुन मिलता था,
जो मुर्दाखोर शकुन कहते हैं वो मिल जाता था, लेकिन धीरे धीरे ना ये कम हो रहा है। इसका एक कारण तो है शकुन का जो रहने का जो घर है वो खो रहे हैं शकुन, और इसलिए शायद इसको इस तरह से संरक्षित किया जा रहा है। और सबसे बढ़िया बात है ये जब उड़ते हैं ना ऐसे तो इसका जो पंख है वो देखने लायक रहते हैं। गड़ुड़ गड़ुड़ जो रामायण में कहा गया था इस प्रकार का ही एक पक्षी था। हुपु 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 हुपु। ये जो आप देख रहे हैं इसको कॉमन लेंगूर कहा जाता है, और झाड़ग्राम में चिल्कीगढ़ अगर आप कभी भी जा चुके हो तो चिल्कीगढ़ में ये बहुत कॉमन देखने को मिल जाता है। देखिए किस तरह से दौड़ रहा है। और ये जो कॉमन लेंगूर है या हनुमान जिसको कहा जाता है इसको देख के अभी आप कभी भी अपना दांत मत दिखाइए, क्योंकि हनुमान का साइकोलॉजी ये कहते हैं कि अगर हम इंसान उसको देख के हंसते हैं या फिर अपना दांत दिखाते हैं तो हनुमान को लगता है हम उसको जो है रॉन्ग तरह से देख रहे हैं, तो उसका गुस्सा आ जाता है और तब अटैक कर देते हैं। तो ये कॉमन साइकोलॉजी है हनुमान का कि अगर आप देख पाते हैं हनुमान को तो कभी भी गलती से भी अपना दांत मत दिखाइए, अगर आप दांत दिखाया तो आप गए काम से। तो बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन ये जो हनुमान का साइकोलॉजी है आप याद रखना। देखो आप ये देखो ये चीज देखिए, वाव क्या सीन है मेरे चीते। सुपर सुपर, आप देखो पहले मेरा फोन अगर गिरेगा ना पानी में तो मैं तो गया। वाव कोमोडो ड्रैगन का नाम आप सुना होगा, तो दैट इज द जूनियर वर्सन ऑफ कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन का एक अलग सा आइलैंड है जिसका नाम है कोमोडो आइलैंड, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये पाया जाता है। बहुत खूंखार होता है, कभी कभी एक पूरा का पूरा गाय को ही निकल लेते हैं। ये तो बच्चा है, लेकिन क्या है कि फॉरेन में इसको लोग पालते हैं अपने घर में। जितना खूंखार ये है उससे भी बहुत ज़्यादा पालतू भी है, मतलब अगर आप इसको पालना चाहते हो घर में तो आप डेफिनेटली इसको पाल सकते हो। ये खाया हुआ है, इसका पेट पूरा फूल चुका है, इसका पैर में ना एक उंगली नहीं है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे एक अजगर है, यहाँ पे भी एक अजगर है, और यहाँ पे एक अजगर है। कैसा लगा आज का वीडियो? मैं जानता हूँ उतना तो अच्छा नहीं बन पाया, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए अच्छा सर्कमस्टेंसेस चाहिए, अच्छे परिस्थितियाँ चाहिए, अच्छे मूड होना चाहिए, और ये सब आज मेरे पास नहीं था, उसका कारण भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो डियर पार्क को लेके बहुत सारा वीडियो आपको YouTube में ऑलरेडी मिल जाएगा, लेकिन मेरे लिए ये वीडियो स्पेशल था जस्ट बिकॉज फॉर मैं ये वीडियो अपने लिए बना रहा था। दिस वीडियो आई मेड फॉर माई सेल्फ। आने वाले टाइम पे मैं कोशिश करूंगा डियर पार्क का अच्छा अच्छा वीडियो आपके साथ शेयर करने का, लेकिन फिलहाल 3 साल के बाद जब मैं यहाँ पर आया तो जितने भी सारे इमोशंस थे, जितने भी सारे यादें थे मेरे अंदर, वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा है बुरा है जो भी है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जब आप डियर पार्क पे आएंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे एक शांत जगह पे जहाँ पे ऐसे जंतु जानवरों का लिए अनुकूल जगह है, यहाँ पे आप ज़्यादा तेजी आवाज़ से बात ना करें और प्लास्टिक वगैरह ना लेके आए, और ऐसे सुंदर जगह को संभाल कर रखें और ऐसे जीव और जंतुओं का पूरी ख्याल रखें। उम्मीद करूंगा मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए। जय हिंद जय भारत,
वंदे मातरम। धन्यवाद।